हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूमेट 2022 के बारे में। या कैसे सीयूमेट 2022 का एग्जाम किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि सीयूमेट 2022 के बारे में और डिटेल में जानना। तो क्या सबसे पहले यहाँ पे सीयूमेट का फुल फॉर्म आपको बता दूं, कैलिकट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, जो कि कंडक्ट करवाया था खुद कैलिकट यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब गाइस, ये जो एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री में से गाइस आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक पीजी बेस्ड एग्जाम है। अब गाइस, अगर आप लोगों को कैलिकट यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्सेज में, अगर गाइस मैनेजमेंट फील्ड में किसी भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को सीयूमेट का जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके क्रैक करना कंपलसरी है। अब गाइस, यहाँ पे जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के हमने हाइलाइट्स देख लिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। तो क्योंकि गाइस, अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट्स बता देंगे तो आपकी जो भी फर्दर प्लानिंग्स है वो प्लानिंग्स जो है अपने कर पाएंगे। लाइक इसका एप्लीकेशन जो गाइस अप्रैल में रिलीज हो जाता है, साथ ही जून में आप लोगों का जो एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है, यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए और यूजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन जो आप लोगों का अप्रैल में रिलीज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब गाइस, आप लोगों का जो कैलिकट यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अगर आप कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। सो गाइस, किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से किस तरह से बचाना है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो मैं एप्लीकेशन के जो है प्रोसेस ऊपर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स के बाद फिर पेरेंट्स डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, देन आपको डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होता है और लास्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। लेकिन गाइस, ये जो प्रोसेस है इसमें भी कई बार स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं और उनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे सीयूमेट 2022 का गाइस एप्लीकेशन रिलीज होगा, हम आप लोगों का एक लाइव एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, साथ ही साथ ये भी बताएंगे किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपको जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है, इवन आप लोगों को एप्लीकेशन फी भी पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए, आप लोगों को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं, इसलिए मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना होगी। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो जनरल कास्ट के लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फी है, वही एससी और एसटी कास्ट वालों के लिए 500 रुपीज आपके एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहेगी। अब नेक्स्ट गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप लोगों का कैलिकट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या सीयूमेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को उसके लिए गाइस इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप लोग जो यहाँ पे इंडियन नेशनल आपका रहना कंपलसरी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जो ग्रेजुएशन पास आउट रहनी चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो तो आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 50% आपका एग्रीगेटेड यहाँ पे रहना चाहिए ग्रेजुएशन एग्जाम में, और यहाँ पे कोई भी एज लिमिट यहाँ पे जो है डिस्क्राइब नहीं की गई ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अगर गाइस आप लोगों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग आसानी से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है सिंपली वो एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट बात कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 120 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर एक सही आंसर पे आप लोगों को एक मार्क्स जो यहाँ पे दिया जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप अगर गलत आंसर देते भी तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। टाइमिंग टोटल 2 आवर्स दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट नहीं किया जाएगा।
बात की जाएगी सब्जेक्ट्स की, तो गाइस यहाँ पे आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंप्रेशन, ये मेन मेन तो सब्जेक्ट्स है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब गाइस इसके जो सब टॉपिक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी थी, उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से इसके सब टॉपिक भी आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। लास्टली बात करेंगे गाइस एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एडमिट कार्ड कंपलसरी, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जाम सेंटर के अंदर भी नहीं लिया जाएगा। बट गाइस कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स को जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है पता ही नहीं चल पाता, या तो उन्हें डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल लिंक नहीं मिल पाती, तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, वीडियो में आप लोगों को अपडेट करके नोटिफाई कर दिया जाएगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी वीडियो में बता दिया जाएगा। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप लोग आसानी से एक ही क्लिक पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप लोगों का सीयू मेट 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।